आज अगस्तवनी के अंदर अगस्तवनी नगर अगस्तवनी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन ऊखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हों, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो, इस भाव के साथ बैठक के दिन के साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है। बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की और जीत की ओर बढ़ रही है। हरीश रावत जी की उम्र इतनी हो गई है कि उन्हें सपने में भी अब हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। केदारनाथ क्षेत्र में गिनती के एक दो गांव में जहाँ मुस्लिम बंधु रहते हैं और मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ का जो मुस्लिम बंधु है वो बाबा केदार के महत्व को समझता है। हरीश रावत जी को केदारनाथ के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम अगर दिखाई दे रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये एक प्रकार का तुष्टिकरण का जो हवा कांग्रेस द्वारा खड़ी करने का प्रयास होता है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे ये बात कहाँ बोलनी कहाँ नहीं बोलनी।